देखिए वो आजम खान नहीं, उसका नाम बदल करके हाजम खा रख देना चाहिए। स्वयं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति और हमारे मोदी जी पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी करे, इसका मतलब मान करके चलिएगा कि वही हाल है जैसे जो है कोई बिल्कुल भ्रष्ट आदमी, अनैतिक आदमी, बल्कि बिल्कुल चारित्रिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति किसी ईश्वर पर जो है छिटाकसी करता। इसलिए आजम खां सच पूछिए तो उसका जो है भले ही शरीर भारत में है लेकिन उसकी मानसिकता पाकिस्तानी है। वो शुद्ध रूप से वही बात बोलता है जिसकी पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुश होते हैं। देखिए सपा मतलब सांप होता है, बसपा मतलब बिच्छू होता है। सांप और बिच्छू का जोड़ा समाज को प्रताड़ना और संकट डालने वाला ही होगा, डंस मारने वाला ही होगा, काटने वाला ही होगा। क्या देखिए वो तो देखिए मायावती जो है, मायावती शुद्ध रूप से व्यापारी है, राजनीति की व्यापारी है। वो राजनीति का कोई मुकाम नहीं है, बसपा राजनीति का कोई मुकाम नहीं, राजनीति का दुकान है। और दुकान पर केवल एक ही उद्देश्य होता है, बेचने वाला चाहता है कि ग्राहक आ जाए और खरीदने वाला जाता है सामान खरीदने के लिए। तो राजनीति के दुकान बनाने वाले चलाने वाले लोग, मायावती राजनीति की दुकान चलाने वाली है तो ग्राहक खोजती है और ग्राहक वही मिलेगा जिसके पास पैसा होगा, सामान खरीदने की ताकत होगी। तो राजनीति में जिसको टिकट खरीदने की ताकत होगी वो दुकान चलाती है, दुकान पर तो भाई जो पैसा लेकर के जाएगा उसको सामान मिलेगा। तो राजनीति का दुकान है बसपा। और मायावती जी को तोहफा, मायावती जी का कोई तोहफा दे दे, माला दे दे, माला से मायावती जी खुश नहीं होती है, मायावती जी को माल चाहिए। राहुल जी भी अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, अच्छी बात है। उनकी माता जी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाज़त नहीं देती। तो मैं तो यही कहूँगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जो है, जिसे रावण के राज्य में लंका में हनुमान को प्रवेश से रोकी थी सुरसा जिसे रोकी थी, जिस संस्कार से प्रभावित थी, ठीक उसी राजनीतिक संस्कार से ममता बनर्जी भी प्रभावित है। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे जितना ही कोई सुरसा का चरित्र अपना ले, चाहे रावण का चरित्र अपना ले, लेकिन लंका के विजय में और लंका में हनुमान के प्रवेश से रोकने की क्षमता किसी में नहीं। अब ये घटना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान राम भी आ जाएंगे, जब राम भी आ जाएंगे तो ये घटना पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। मतलब योगी जी के पास नहीं है। स्वाभाविक प्रदूषण है, समाज का स्वाभाविक प्रदूषण है, स्वाभाविक प्रदूषण से कोई भी वंचित रहने वाला नहीं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। हाँ, चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे भाई, भारत की धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान हो और भारत माता की का जय बोलने का स्वभाव न हो, भारत माता धरती पर रहकर के वंदे मातरम एक अपने जन्मभूमि का, इस माने भारत भूमि का एक वंदना है। भाषा चाहे जो भी हो, चाहे उर्दू में भी उसका रूपांतरण हो सकता है, संस्कृत में है तो वंदे मातरम संस्कृत में हो गया, उसी को जो है हम लोग उस भूमि का जो है उर्दू में भी उसको रूपांतरण कर सकते हैं। तो इसमें भाषा के आधार पर उसको न बोलना निश्चित रूप से उनके भीतर के भाव को प्रकट करता है। और ऐसे लोग जो वंदे मातरम न बोल, भीतर से नहीं बोलना चाहते भाव बस और भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, ऐसे लोगों को भारत की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा चले तो ऐसे लोगों को जो नहीं बोलना चाहते हैं, भारत माता को डाइंग करने वाले हैं, एक सप्ताह के भीतर उनका पासपोर्ट बनवा करके बढ़िया से विदेश भेज दूंगा। देखिए आजम खान का बयान शब्द को कहते हैं, वो तो टिप्पणी करता है। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं। ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है भाई। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संतान आ रहा है, 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए उसमें कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का टिप्पणी करना प्रासंगिक। मायावती जी क्या कहेंगी? मायावती जी तो खुद फेसियल रोज कराती हैं। जो खुद फेसियल कराता है वो हमारे नेता को क्या कहेगी कि जो है वो शौकीन है?
अरे भाई कोई वस्त्र का वस्त्र पहनता है तो वस्त्र पहनना कोई शौकीन की बात नहीं होती है, शौकीनी की बात तो ये होती है कि बाल पका हुआ है और बाल रंगवा करके मायावती जी आज भी अपने को जवान साबित करती है। जो बाल पका हुआ है 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन सब बाल काले हैं, इसको कहते हैं बनावटी शौक। बनावटी शौक उसको मायावती बनावटी शौक वाली है, वो फेसियल रोज कराती हैं।